मध्य प्रदेश में शनिवार से यात्री बसों का संचालन शुरू हो गया है। परिवहन मंत्री ने बस ऑपरेटरों की मांगे मानते हुए 121 करोड़ का वाहन टैक्स माफ कर दिया है। कोरोना काल के बाद 25 मार्च से बंद यात्री बसों का परिवहन शुरू हो गया है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने बयान दिया है कि सरकार और बस ऑपरेटरों के बीच टैक्स को लेकर गतिरोध खत्म हो चुका है। सरकार ने करीब 121 करोड़ रुपए का वाहन टैक्स माफ कर दिया है। बसों का चालन बंद था क्योंकि कोरोना महामारी की इससे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ट्रेन हो प्लेन हो बसें हो सही बंद थी, लेकिन बस वालों की जो मांग थी मुख्यमंत्री के समक्ष जब भी मैंने इस बात को रखा तो मुख्यमंत्री जी का रुख बहुत ही लचीला रहा। उनका भी कहना था कि नहीं बात सही है, बसें अगर नहीं चली हैं तो बस वालों पर अतिरिक्त भार नहीं आना चाहिए। और मेरी जब भी बात हुई मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा कि नहीं हम टैक्स माफ करेंगे। आज मुझे खुशी है कि बस वालों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने टैक्स माफ किया। इसमें सरकार पर 124 करोड़ करीब का अतिरिक्त भार आया है, लेकिन जनता के हित के लिए जनता की सुविधा के लिए ये भार सरकार सहन करने के लिए तैयार है और आज से बसें चलेंगी। 30% 40% बाकी बहनों को क्या करेंगे उसके लिए नानी उसको सिलेंडर करने की सहज सुविधा दी गया। नामों के संबंध में मुख्यमंत्री की सहमति हो गई है। बाद में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि उनका हम लोग आभार प्रदर्शन करते हैं कि यात्रियों को सुविधा की दृष्टि से और कल से जितनी यात्रियों की उपलब्धता होगी टैक्स माफी के बाद शनिवार से यात्री बसों का संचालन सुचारू रूप से शुरू हो गया है। तो वहीं बस किराया वृद्धि को लेकर कहा गया कि बस ऑपरेटरों के साथ बैठक कर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज सागर।